शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। कुछ बेईमान लोग और कुछ चोर लोग ऐसे हैं जो चुराना जानते हैं जनता का फल आशीर्वाद, उन्हें तो मिलता नहीं है। 3.5 लाख वोट पड़े हैं तो 5 लाख दिखा दिया ना। आखिर कंप्यूटर में 1 लाख वोट कैसे उनका बड़ा, क्यों बसपा वाला का ना बड़ा? वो हमारे ससुर लगेंगे, लेकिन दिमाग हो गया है उनका खराब। गलती उनकी नहीं है, इंजेक्शन दिया था किसी डॉक्टर ने तो दिमाग एकदम से खराब हो गया है। राम की माता पर लांछन लगाने वाले अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो वो दूध के दूल्हे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताय पतये नमः तो हम हिंदू नहीं है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में नगर निगमों पे तो बीजेपी ने कब्जा किया, लेकिन अब मंथन का दौर शुरू हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर कमी कहां रह गई। गोरखपुर की महापौर की प्रत्याशी काजल निषाद हमारे साथ हैं। काजल जी, कहां कमी रह गई? आज गोरखपुर मंडल और लखनऊ मंडल की बैठक है, आप लोगों ने तो दावा किया था कि बदलाव आ रहा है, लेकिन कहां पर मामला खराब हो गया? सर्वप्रथम नमस्कार करती हूं पत्रकार महोदय, और कोटि कोटि धन्यवाद सभी दर्शक मित्र को। बहुत प्यार सहयोग और आशीर्वाद देते हैं आप सभी, हमेशा ही स्नेह और साथ देते हैं। जैसे लगता है कि मैं अकेले चलती हूं और पूरा कारवा मेरे साथ चलता है, इस आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कहा कि आपने दावा किया था, हमने आज भी दावा करते हैं कि इस जनता ने हमें प्यार सहयोग आशीर्वाद दिया है। कुछ बेईमान लोग और कुछ चोर लोग ऐसे हैं जो चुराना जानते हैं जनता का फल आशीर्वाद, उन्हें तो मिलता नहीं है। तो मिलता नहीं है तो कैसे लेंगे? तो चुरा कर लेंगे। ठीक है, पूरी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने देखा है कि उस दिन क्या हुआ था। 3-5 जिसे कहते हैं ना कि 3-5 करने वाले लोग, 3.5 लाख वोट पड़े हैं तो 5 लाख दिखा दिया ना। आखिर कंप्यूटर में 1 लाख वोट कैसे उनका बड़ा, क्यों बसपा वाला का ना बड़ा, क्यों कांग्रेस वाले का ना बड़ा, क्यों समाजवादी पार्टी का ना बड़ा, उन्हीं का कैसे 1 लाख बढ़ गया? तो है ना कुछ तो लगता है वोट की चोरी हो रही है, मशीन में खेल हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैंने दिखाया खुद पूरा कंप्यूटर, उससे निकालिए ना डाटा, निकालिए ना आप, डाटे में पूरा दिखाया हुआ है क्या लाइट बंद करके जमुना निषाद जी को हराया। बात करेंगे पूरे यूपी में ये हुआ, पंचायत और नगर पालिका और निगम, तो कैसे ना मान लूं कि नहीं हुआ? सरकार किसकी है? सरकार एक छत्र राज धरा कर कौन यहाँ पे बैठा है, कौन 3-5 नहीं करेगा बताइए? जब मेरे साथ हुआ है तो कैसे ना मान लूं कि नहीं हुआ है? सबके साथ हुआ ही होगा निश्चित तौर पे। क्यों हम, मुझे ये लगता है कभी कभी कि मैं निषाद समाज की हूँ शायद इसलिए मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में है वो मैले मन वाला रहे, बलात्कारी रहे, हत्यारा रहे, कांडी रहे, कैसा भी आदमी रहे, उन्हें जिताना है। कोई कितनी भी मेहनत कर रहा है दूसरी पार्टी में, उन्हें नहीं जिताना है। आज की बैठक का क्या एजेंडा है, आज किन मुद्दों पर आप लोग बात करने वाले हैं, क्या रणनीति होगी आगे के लिए, आज के एजेंडा? समीक्षा करेंगे सारे चुनाव की, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या कमी रह गई, कैसे ये 3-5 करते हैं, कैसे हाईकोर्ट में जाना है, इनके खिलाफ अपील करना है, बहुत सारी चीजें। मेरे पास तो प्रूफ है ना कि किस तरह से 3.5 किया इन्होंने, प्रूफ है ना मेरे साथ, तो मेरे पास तो लिखित में सबके मुंह उतर गए थे ना जब मेरे पास प्रूफ था और मैंने पूरा हंगामा किया था। तो जाऊंगी मैं, लड़ूंगी, हाईकोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगी। जाति को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आपको वोट लेना होता है तो आप निषाद बन जाते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है? आप इसे पूछ रही हूँ, आपकी शादी हुई है? मेरी तो हुई, आप उनके आरोप का बताइए। तो आपकी पत्नी आपके नाम से जानी जाएगी कि मायके के नाम से जानी जाएगी? पूछ, वो कह रहे हैं कि आप नाम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव में वोट मिल जाए। अच्छा, क्यों? जब शादी होती है तभी से नाम लग जाता है ना, सरनेम लग जाता है ना, तो चुनाव में तो बाद में आई ना काजल निषाद, शादी तो बहुत पहले हुई है भाई मेरे, तो क्या चुनाव के समय मैंने निषाद नाम सरनेम रख लिया? देखिए, वो हमारे ससुर लगेंगे लेकिन दिमाग हो गया है उनका खराब। गलती उनकी नहीं है, इंजेक्शन दिया था किसी डॉक्टर ने तो दिमाग एकदम से खराब हो गया है। जो बात छोटे बच्चे भी जानते हैं उस बात को वो नहीं जानते हैं। और कौन कह रहा है भाई, राम की माँ पर लांछन लगाने वाला आदमी कह रहा है क्या? और राम की माँ को जब कुछ नहीं समझते, माता कौशल्या के ऊपर जो लांछन लगाएंगे, काजल निषाद को कुछ समझेंगे? यही संजय निषाद जी, प्रूफ चाहिए बता दूं यूट्यूब में भाई, सबको याद है क्या? हाँ, किसने कहा था कि खीर खाकर पैदा नहीं होते हैं? लांछन किसने लगाया था? राम की माता पर लांछन लगाने वाले अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो वो दूध के दूल्हे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताय पतये नमः तो हम हिंदू नहीं है।
ठीक ना, क्या हो गया वहाँ कर्नाटक में? हनुमान जी नहीं आए साथ में, गदा लेकर नहीं मारे किसी को, तो नहीं आए। लेकिन 2024 को लेकर के कल बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई है, बीजेपी आज से बैठक कर रही है, आपको लग रहा है कि अब मंथन के साथ आगे की तैयारी भी जरूरी होगी? कितना भी ये बैठक कर ले, कुछ भी कर ले, मैं समझ रही हूँ कि कितना भी आप मेहनत कर लेंगे, ये मेहनत नहीं करेंगे जब इनको लगेगा कि जनता का रुझान किसी और की तरफ जा रहा है, किसी ऐसी पिछड़ी जाति की महिला की तरफ जो निषाद है और समाज एकजुट होकर इनको वोट दे रहा है। और निषाद समाज में जमुना निषाद जी हराने के लिए बने थे, उन्होंने भी 7,000 का हेरफेर करके, जब प्रवीण निषाद जी समाजवादी पार्टी से लड़े थे तभी भी रोक दिया था, काउंटिंग भाई रोक दिया था ना, हाँ सबने इतना बवाल नहीं किया तो नहीं कर। तो निषाद समाज इनको लगता है कि मार खाने के लिए बना है, निषाद समाज पद के लिए तो बना नहीं है, ये वोट के लिए बना है, ये आरक्षण के लिए तो बना नहीं है, ये गोली और गाली खाने के लिए बना है, ठीक ना। तो इनको ऐसा लगता है, जब जब इनको ये लगेगा कि कोई उभर रहा है, कोई पिछड़े समाज की कोई उभर रही है या उभर रहा है, तो ये 3-5 करेंगे। तो इनकी बैठक करने से क्या फायदा है, ये करेंगे ना आखिर में 3-5 तो। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र होता तो हम समझ जाते कि कह देते कि लखनऊ से ही डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे दिया गया, ये हमारा मेयर, ये विधायक, ये सांसद, बात खत्म, जनता का यहाँ कुछ नहीं चलेगा, तो समझ में आता। पर है लोकतंत्र ना, तो मैं लड़ूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने गोरखपुर वासियों के लिए। साफ तौर पर लड़ाई लड़ने की बात कह रही है और सीधे तौर पर बीजेपी पर 3 का 5 करने का आरोप लगाया है। हालांकि मंथन का दौर है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इस बात पर मंथन होगा कि इन चुनाव में हार का कौन जिम्मेदार है और आखिर पार्टी कहाँ पीछे रहती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।